हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, और इस टॉपिक का आज हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि पावर डिसिपेशन क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। पावर डिसिपेशन का यह मतलब है कि टोटल जो एनर्जी है वो किस तरह से डिसिपेट होता है, किस तरह से खर्च होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो एनर्जी है कोई भी अगर पार्टिकल डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है तो उस पर नेट डैम्पिंग फोर्स क्या होगा, काम करेगा, नेट डैम्पिंग फोर्स वर्क ऑन सिस्टम कहिए अथवा पार्टिकल्स, एंड हम प्रैक्टिकली देखते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड घटता है ऐसे। और इसका मतलब है कि आपका पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, एंड टोटल एनर्जी भी धीरे धीरे क्या हो रही है, घटते घटते जीरो हो जा रही है। और यही जो एनर्जी घटने का दर है, एनर्जी डिक्रीज करने का जो रेट है टाइम के साथ, उसी को हम पावर डिसिपेशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये मतलब कि एनर्जी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, इस बात को इस हेडिंग पहले ये समझें कि टोटल एनर्जी होता कितना है। तो मैंने बताया कि नेट डैम्पिंग फोर्स वर्क ऑन सिस्टम एंड रिजल्टिंग मैकेनिकल एनर्जी एंड रिजल्टिंग मैकेनिकल एनर्जी का बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिला करके रिजल्टिंग मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम समय के साथ साथ क्या होता है, घटता जाता है। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, देन टोटल एनर्जी जो है सिस्टम का टोटल एनर्जी ई इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर म्यू ई पर -2 kT, ये आपका टोटल एनर्जी का रिलेशन मिलता है डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में। यहाँ पर देखा ये जो टर्म्स है यहाँ पर, इसमें ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड घटेगा, समझिए सिस्टम की एनर्जी क्या हो, घटती जा रही है। अगर एम्पलीट्यूड जीरो हुआ तो पूरा एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगा और पार्टिकल ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। ये म्यू क्या है, यहाँ पर हम डैम्ड के केस में रिस्टोरिंग फोर्स लिया है, रिस्टोरिंग फोर्स है। और यहाँ पर ई और टू के माइनस साइन के साथ आया है, ए वाला टर्म ध्यान दें। मतलब अगर यहाँ पर देखा ई माइनस टू के टी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, ये टाइम एक्सिस होता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियली एनर्जी एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, घटता जाएगा, माइनस साइन डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सपोनेंशियली क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज करता जाएगा और उस डिक्रीमेंट को यह जो लास्ट टर्म है रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यह नहीं रहता तो आपका सिंपल हार्मोनिक की तरह एनर्जी क्या होता, कंजर्व होता,
लेकिन यहाँ कंजर्वेटिव सिस्टम नहीं होता है, एनर्जी टाइम के साथ साथ क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है, और यह जो सेकेंड फंक्शन है यह डिक्रीमेंट को शो करता है। तो यहाँ पर जो आपका अभी जो दो नंबर का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो प्रश्न है कि पावर डिसिपेशन क्या है। तो यही जो एनर्जी डिक्रीमेंट का जो दर होता है उसको कहते हैं, मैं डिफिनेशन ऊपर लिख रखा है, पावर डिसिपेशन द रेट ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी विद टाइम इज टाइम द रेट ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी विद टाइम इज नोन एज पावर डिसिपेशन इन डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। मैथमेटिकली द पावर डिसिपेशन ऑफ द सिस्टम इज रिटेन एज पी इक्वल टू माइनस डी ई अपॉन डी टी, ऐसे लिखते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पावर है आपका, पावर डिसिपेशन पी से रिप्रेजेंट किए हैं, वह टाइम के साथ घटता जा रहा है। यहाँ पर माइनस साइन डिक्रीज को बता रहा है, और जो आपका पावर डिसिपेशन है वह डिक्रीजिंग एनर्जी विद टाइम, यहाँ पर शो कर रहा है डिक्रीमेंट विद टाइम। तो रेट ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी विद टाइम, यह आपका पावर डिसिपेशन हो गया। यहाँ पर एनर्जी जो ई है, यह एक्सप्रेशन मैं यहाँ निकाला हूँ, ई इक्वल टू वन बाई टू ए स्क्वायर म्यू ई पर पावर माइनस टू के टी। यहाँ पर डैम्पिंग के लिए यह जिम्मेदार है, और यहाँ पर जैसे जैसे के की वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट के की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी एनर्जी क्या करेगा, डेसिपेट करेगा, एनर्जी खर्च होगा। दूसरी चीज़, जितना ही ज़्यादा टाइम बीत जाएगा टी की वैल्यू उतना ही क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी खर्च कर चुका रहेगा सिस्टम, ये मतलब है इसका। तो डेट्स एनर्जी, और ये पावर डिसिपेशन का आपका डिफिनीशंस है। थोड़ा सा इसको और हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूले को देखते हैं, तो अगर यहाँ ई की वैल्यू हम पुट करें तो मिलेगा P इक्वल टू माइनस डी अपान डी टी, और E की वैल्यू रखिए यहाँ से, तो आपका E की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई टू म्यू ए स्क्वायर ई पर पावर माइनस टू के टी, ये होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टाइम का यहाँ केवल और केवल यही टर्म्स है, बाकी एज सच वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मिलेगा देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 बाई टू म्यू ए स्क्वायर तो एज सच बाहर आ जाएगा, माइनस साइन रहेगा, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई पर पावर माइनस टू के टी, ये होगा। और यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका एक और टर्म्स इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मिल जाएगा माइनस टू के। अब ये दोनों माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, एक माइनस तो पहले ही है और इसका डिफ्रेंसिएशन से एक माइनस आया, माइनस माइनस मिल करके आपका प्लस होगा, और जो आपको रिलेशन मिल जाएगा वहाँ पर 2k 1 बाई टू म्यू ए स्क्वायर ई पर पावर माइनस टू के टी। ये टर्म अब फर्दर हम ई लिख सकते हैं, इस टर्म को फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ई लिख सकते हैं, तो आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वह P इक्वल टू मिल जाएगा 2K एंड E, क्योंकि इतना टर्म्स तो E है, यहाँ E लिख लिया, यही E है। ये आपको मिलेगा पावर डिसिपेशन का रिलेशन। इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पहले ही बता दें, अगर 2K का एक रिलेशन आएगा टाउ के रूप में, रिलैक्सेशन टाइम टाउ इक्वल टू वन अपॉन टू के होता है, जो भी हम डिराइव कर रहे हैं यहाँ आप देख लो। तो अगर यहाँ पर वन अपॉन टू के को हम टाउ लिखेंगे
तो इस रिलेशन में आपका मिल जाएगा P इक्वल टू 2K इक्वल टू 1/टाउ मिल जाएगा। 2K इक्वल टू 1/टाउ, यहां जो 2K आया है सिंस ये चीज होता है, तो अगर इसका यूज करके 2K की वैल्यू अगर रिलैक्सेशन टाइम के रूप में निकालें टाइम, ये डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, आप पहले ही मत सोचिए कि कहां से आ गया, इसको मैं करने जा रहा हूं, लेकिन यहां से जो फार्मूला बनेगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं यहां बता रहा हूं आपको। अगर ये पावर डिसिपेशन आ गया तो रिलैक्सेशन टाइम से कैसे ये रिलेटेड है, यहां पर आप 2K की वैल्यू 1/टाउ लिख सकते हैं और यहां पर टाउ रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपका P इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन टाउ इसकी जगह पर 2K की जगह 1/टाउ, यह है रिलेशन। यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो पावर डिसिपेशन इस तरह से आपने देख लिया कि पावर डिसिपेशन P आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी रेट ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी विद टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम आपने देखा कि समय के साथ एनर्जी घट रही है, समय के साथ क्या हो रही है एनर्जी घट रही है, सिस्टम की एनर्जी टाइम के साथ क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है। तो कितने समय में कितना डिक्रीज कर रहा है, ये टाइम है, तो कितने समय में कितना डिक्रीज कर रहा है इसका कोई आपके पास अनुपात होना चाहिए, कोई एक नियम होनी चाहिए। तो ऐसा टाइम इंटरवल जितने समय में एनर्जी अपने ओरिजिनल एनर्जी अथवा इनिशियल वैल्यू का 1/E गुना हो जाए, द टाइम इंटरवल वह समय अंतराल, द टाइम इंटरवल इन विच एनर्जी ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल अथवा सिस्टम डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाए बी के 1/E टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, वह समय अंतराल जिसमें डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटिंग करने वाले पार्टिकल की एनर्जी 1/E टाइम्स हो जाए, उस समय अंतराल को ही क्या कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जितनी एनर्जी है तो 5 सेकेंड में मान लेते हैं, 5 सेकेंड में क्या हो गया ओरिजिनल का 1/E टाइम्स हो गया, 1/E टाइम्स रह गया, तो हम कहेंगे कि यह जो समय 5 सेकेंड है जितने समय में ओरिजिनल एनर्जी का इनिशियल एनर्जी का 1/E गुना हो गया तो यह टाइम इंटरवल हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम है। थोड़ा सा इसको हम मैथमेटिकली कैसे फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप जानते हैं द एनर्जी ऑफ सिस्टम पहले ही डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटिंग करने वाले पार्टिकल की एनर्जी हम निकाले हैं 1/2 a² म्यू e^-2 kT, अभी ऊपर लिखे थे यह एनर्जी है। दे तो सिस्टम की एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल मतलब जब पार्टिकल स्टार्ट करना है ऑसिलेशन, यहां से जब अभी स्टार्ट किया इनिशियल एनर्जी क्या होगी, मतलब इनिशियल मतलब t = 0, अभी जब ही स्टार्ट किया t = 0 सेकेंड पर जो भी पार्टिकल ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है, अभी कुछ भी नहीं मतलब टेंडिंग टू जीरो जीरो जो भी स्टार्ट कर रहा है उस समय एनर्जी क्या है, मतलब उस समय मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो ये है एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू 1/2 a² μe^-2 kT एंड द इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, डेट इज एनर्जी एट t = 0। तो इसमें अगर t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इनिशियल एनर्जी को हम सिंबोलिकली e₀ लिखा, तो इनिशियल एनर्जी e₀ = क्या हो जाए 1/2
म्यू ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टी की वैल्यू जब जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो आपका ई पर पावर क्या हो जाएगा, जीरो। टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ई पर पावर जीरो हो जाएगा, और ई पर पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू वन हो जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी ई जीरो रिप्रेजेंट की है, इसकी वैल्यू क्या है, वन बाई टू म्यू ए स्क्वायर है। अब आप जो डिफिनीशन पर ध्यान दें रिलैक्सेशन टाइम के, रिलैक्सेशन टाइम वो है टाइम है जितने में एनर्जी क्या हो जाए, वन अपान ई गुना हो जाए, और उस रिलैक्सेशन टाइम को स्पेसिफिक टाइम माना जितने में वन अपान ई गुना रह जाता। अगर उस टाइम को हम ऐसे टी न लिख करके क्या कहें, टाऊ कहें, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम ऐसा टाइम है जितने में एनर्जी वन अपान ई गुना हो जाती है। अगर रिलैक्सेशन टाइम को क्या लिखें, टाऊ लिखें, तब हमको मिलेगा इफ टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम देन वह टी जितने में वह क्या हो जाए, वन अपन ई गुना हो जाए, टी इक्वल टू टाउ रिप्रेजेंट कर रहा, देन ई ई इनर्जी किस पर, एट रिलैक्सेशन टाइम पर कितना हो जाएगा, जो इनिशियल एनर्जी है उसका डिफिनीशन में पहले क्या होता है, इनिशियल एनर्जी का वन अपन ई गुना। तो इनिशियल एनर्जी क्या है, ये है इनिशियल एनर्जी ई जीरो का वन अपन ई गुना, तो वन अपन ई है कर लिए, वन अपन ई गुना का मतलब ऐसे समझो ई वन ई जीरो इनिशियल एनर्जी गुणे वन अपन ई। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर अगर आपको लिखना हो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू को लिखें, तो ई जीरो अपन ई या इनिशियल एनर्जी का वन अपन ई टाइम्स है, और ई की वैल्यू पहले ही आपने लिख रखा है, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू आपने यहाँ लिखा है ए, इसमें इतना जो टर्म्स है तो ई जीरो ही है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे ई की वैल्यू वन बाई टू म्यू ए स्क्वायर ई पर पावर माइनस टू के टी। अब यहाँ चूंकि हम टी इक्वल टू टाउ रिलैक्सेशन टाइम के लिए लिखा हूँ, तो हम यहाँ स्पेसिफिक टाउ लिखेंगे, वह समय अंतराल जो रिलैक्सेशन टाइम को बता रहा है टाउ। ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा ई जीरो ई पर पावर माइनस टू के टाउ इक्वल टू ई जीरो अपान ई। दोनों साइड से आपका क्या होगा, ई जीरो कैंसिल हो जाएगा इधर से भी इधर से, तो आपका वन अपान ई इक्वल टू मिल जाएगा ई पर पावर माइनस टू के और टाउ, टू के एंड टाउ। अब अगर कंपेरिजन करें तो दोनों जगह ई है माइनस पावर है, तो इसके पावर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसको अपर ले जाएं ई पर पावर क्या हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ ई पर पावर माइनस टू के टाउ। पावर का आप कंपेयर कर लीजिए, बेस जब सेम है इम्प्लाइज आपको क्या मिलेगा, दोनों जगह माइनस है तो टू के टाउ इक्वल टू वन, यहाँ से टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा वन अपॉन टू के। अभी जहाँ मैं पावर डिसिपेशन के लिए इस रिलेशन का प्रयोग किया हूँ, देखिए वह रिलेशन इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर यह रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम का एक्सप्रेशन है। आप देखें रिलैक्सेशन टाइम डैम्पिंग कांस्टेंट के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, के की वैल्यू, तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब पावर जितना ही जल्दी क्या होगा, डेसिपेट होगा, जितना ही ज़्यादा डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही जल्दी
इसका एनर्जी क्या होगा, 1/e गुना हो जाएगा, बहुत तेजी से खर्च हो जाएगा। जैसे जैसे के इंक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम, जो टाइम इंटरवल है जितने समय में 1/e गुना होता है, वह इंटरवल घट जाएगा, मतलब बहुत जल्दी 1/e गुना हो जाएगा जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी। तो यह भी फार्मूला क्या है कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है रिलैक्सेशन टाइम का। इसी का यूज करके मैंने यहाँ पर निकाला था पी इक्वल टू, अगले पेज पर इसको मैंने पढ़ा रखा है टाउ, ये फार्मूला यूज किए थे। तो रिलैक्सेशन टाइम एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि एनर्जी किस दर से क्या हो रही है, डेसिपेट हो रही है। हम क्वालिटी फैक्टर पर बात करेंगे, यह कैसे डिफाइन किया गया है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ ऑसिलेटर। देखिए लिखा गया क्वालिटी फैक्टर ऑफ ऑसिलेटर मे बी डिफाइंड एज 2π टाइम्स द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड टू द एवरेज एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम पीरियड। इन दोनों का अनुपात का 2 times जो होता है वो क्वालिटी फैक्टर होता है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डेट इज जो डिफिनीशन लिखा गया उसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं 2π, और किसका अनुपात होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम, सिस्टम में जितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है अपान इसका एवरेज, एवरेज एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम पीरियड, यह इसका डिफिनेशन है, यह लिखा गया है। अब जरा देखें क्यू, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कितना है, अभी आपने एनर्जी का एक्सप्रेशन पहले ई को आपने लिख रखा है, तो यहाँ पर 2π और ई एनर्जी टोटल ई होता है सिस्टम का, और एवरेज एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम पीरियड। तो एनर्जी लॉस को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लॉस को हम कहते हैं पावर डिसिपेशन, एनर्जी लॉस को क्या कहते हैं, पावर डिसिपेशन, और पर यूनिट टाइम, एक टाइम पीरियड के लिए तो टी से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पावर डिसिपेशन पी एनर्जी लॉस और इनटू टी टाइम पीरियड, पर यूनिट टाइम पीरियड में जितने टाइम पीरियड जाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड टी हो गया, इसके आगे फिर दूसरा फिर तीसरा, तो पर यूनिट टाइम पीरियड में जितना लॉस हो रहा है वह वैल्यू यहाँ रखना है, एक टाइम पीरियड टी, फिर यहाँ से यहाँ तक टी, अगर दोनों को एक साथ ले जाएंगे तो ये और ये मिला करके आपका 2t हो जाएगा एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम पीरियड। क्वालिटी फैक्टर को थोड़ा सा और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये फार्मूला किस तरह से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर q इक्वल टू लिख सकते हैं 2π और e, और p की वैल्यू सिंस आप जानते हैं p इक्वल टू क्या होता है, e अपान टाउ, अभी आपने डेराइव किया इसे, तो p की वैल्यू e अपान टाउ लिख लीजिए, टाउ और t एज सच रहने दीजिए। ए यहाँ पर t टाइम पीरियड है और ये जो कि टाउ है रिलैक्सेशन टाइम है, ये आपको मिल जाएगा e से e तो मान लीजिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो मिलेगा टर्म 2π और ये tau ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, tau अपान t, यह क्वालिटी फैक्टर का क्या होगा, फार्मूला होगा। आप एक चीज और देखें कि दो बातें यहाँ से निकल के आएगी, फार्मूले के दो फार्म होंगे, ध्यान दें, फर्दर मॉडिफाई करें तो फार्मूले के दो फार्म होंगे। एक देखिए, पहला q इक्वल टू 2π/T को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलासिटी,
ये निकल के आता। और डैम्प्ड केस में एंगुलर वेलोसिटी को मैंने जीरो लिख रखा था, ओमेगा जीरो, तो यहाँ से आपको मिलकर मिलेगा जो इस टर्म को आप क्या लिख लोगे, अगर ओमेगा जीरो लिखो तो क्यू इक्वल टू ओमेगा जीरो टी मिलेगा। ये फार्मूला यूज कर सकते हो, सॉरी ओमेगा जीरो टाऊ। और दूसरा जो फार्मूला यहाँ पर आपका मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर, यहाँ पर ऐसे इसको रहने दीजिए, क्यू इक्वल टू टू पाई और टी, टाऊ की वैल्यू लिखिए, तो टाऊ की वैल्यू क्या होती है, वन अपान टू के, फिर टू से टू कैंसिल कर लीजिए और जो फार्मूला आपको मिलेगा पाई अपान के, पाई अपान के टी, पाई अपान के टी। ये दो फार्मूला हैं क्वालिटी फैक्टर के, ए एंड बी इसका नाम दे रखा है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लीजिए। अब इस फार्मूले पर थोड़ा सा आप डिस्कशन करें, देखें क्वालिटी ऑफ रिजोनेंस, क्वालिटी ऑफ ऑसिलेशन कुछ और बातों को भी रिप्रेजेंट करेगा, इन फार्मूला से क्लियर है। अगर की ध्यान दें, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ज़्यादा है। और रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होने का मतलब यह है कि पावर डिसिपेशन का दर कम है। मतलब रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होने का क्या मतलब है, वन अपन टू के, इसका मतलब के की वैल्यू कम है, डैम्पिंग कांस्टेंट कम है, के की वैल्यू कम है, और के अगर कम है तो स्मूथली क्या होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे डिसिपेशन होगा। तो जब डिसिपेशन होगा तो जो हमारा वेव फार्म है इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी ऐसे ऐसे धीरे धीरे। तो एक तरह से यह क्वालिटी जो फैक्टर्स है हमारा जो वेवफार्म उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना ही ज़्यादा टाऊ होगा उतना ही कम के होगा इसका मतलब, और अगर टाऊ ज़्यादा है तो हमारा क्यू ज़्यादा होगा, मतलब क्वालिटी फैक्टर जो क्यू का गुणांक है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर गुणांक को हम अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब कि जो हमारा वेवफार्म्स है यह टाइम के साथ कम डेसिपेट इसमें से एनर्जी हो रहा है, और ज़्यादा टाइम बाद जो कि एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी, अगर क्वालिटी फैक्टर क्यू की वैल्यू ज़्यादा है। यही बात इनडायरेक्टली यहाँ भी दिख रहा है, अगर क्यू की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ इस्तेमाल कह रखा है के की वैल्यू, इसका मतलब है क्यू ज़्यादा है तो के मस्ट बी लेस, इसका मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है, पाई तो एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपका डैम्पिंग कांस्टेंट टू के की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर इस के की वैल्यू जीरो हो जाए यहाँ से इस फार्मूले में कम होते होते, तो हमारा क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर क्यू के इक्वल टू जीरो हो मतलब कोई डैम्पिंग ही ना हो, डैम्पिंग कांस्टेंट है, खत्म है, कोई रेस्टिंग फोर्स नहीं लग रहा है, तो सिंपल जैसे काम होना लगेगा इसका ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की जैसे, उस केस में अगर के जीरो है तो क्वालिटी फैक्टर क्यू की वैल्यू यहाँ जीरो होते ही इनफाइनाइट आ जाएगा। और उसी समय अगर k यहाँ पर जीरो है तो टाऊ की भी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। रिलैक्सेशन टाइम मतलब अनंत काल में एनर्जी वाला पानी गुना हो पाएगा, मतलब कि एनर्जी खर्च ही नहीं हो रहा है, और तब ये फार्म हमारा क्वालिटी इस तरह से एकदम स्मूथली ऐसे ऐसे हो जाएगा सिंपल के जैसे। तो यह क्वालिटी फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके गुणांक को देखते ही हम बता सकते हैं कि किस तरह का डैम्पिंग हो रहा है। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को ख़त्म किया। आज की क्लास में हम लोगों ने पावर डिसिपेशन देखा, इसका मतलब होता है रेट ऑफ एनर्जी डिक्रीजिंग विद टाइम। फिर हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम देखा जिसमें ये बताया कि टोटल एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी वन अपन ई गुना जितने टाइम में हो जाए, और फिर हमने लास्ट में देखा क्वालिटी फैक्टर्स। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर अगले क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।